नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। नगरपालिका परिषद हरदोई द्वारा आयोजित सीएसएन कॉलेज में 3 नवंबर तक चलने वाले विकास दीपोत्सव मेले के चौथे दिन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। विकास दीपोत्सव मेले में चौथे दिन आयोजित हुई काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर सदर सांसद जयप्रकाश रावत ने किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया व श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उपस्थित समस्त कवियों व कवित्रियों का माल्यार्पण व शाल्यार्पण किया। काव्य गोष्ठी में श्रवण कुमार मिश्र राही, अजीत शुक्ल, उदयराज सिंह, अभिनव दीक्षित, सरल शुक्ला, अजीत तोमर, अरविंद मिश्रा, सुखदेव पांडे सरल, निशानाथ अवस्थी निशंक, मनीष कुमार मिश्रा, प्रतिमा शैलन व नया सिंह ने काव्य पाठ किया। संयोजन श्याम त्रिवेदी पंकज का व संचालन शोभित तोमर का रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर और अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर तक चलने वाले मेले में आज 1 नवंबर को 3 बजे से मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 बजे तक सीएसएन कॉलेज के प्रांगण में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। प्रतिभागिता का कोई शुल्क नहीं है। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी संतोष पटेल, एबीएसएच चंद्रशेखर यादव, बालेश्वर मिश्रा, कुलदीप द्विवेदी, मनोज त्रिवेदी, आदेश सिंह, अंकित अवस्थी, नवल किशोर सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। इसमें कवि एवं कवित्रियों ने समा बांध दिया। कवि शोभित तोमर ने कलम लिखी, हल्दीघाट पृथ्वीराज चौहान से शुरुआत करके देशभक्ति का जज्बा भरा। महिलाओं में कवित्री नया सिंह ने मैं नारी हूँ कविता और दहेज गीत से कार्यक्रम में समा बांध दिया। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास दीपोत्सव 2021 मेले का आयोजन सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि जो हम हमारे प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो वो जन जन तक पहुँचें और जो भी चाहे रेहड़ी दुकानदार हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनको बढ़ावा मिले और भी जो यहाँ जो लोग आते हैं वो देखें कि क्या क्या योजनाएं चल रही, काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, उनसे उनको काफ़ी जानकारी भी मिलती है। इस तरह का ये प्रायोजन किया गया है और जनहित में किया गया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।